मेरा नाम अबू मोहसिन मुल्ला है, मैं अली मोहम्मद का घर से आया हूँ, उसका फैमिली वाला हूँ। तो एक सीप आ रहा था, उस सीप में काम करता हूँ, सीप का एक्सीडेंट हो गया रायगढ़ में। तो उसको जो 10 आदमी था, 6 आदमी को मिला, 4 आदमी मिसिंग है। 4 आदमी से अली मोहम्मद, मुसारफ, पंकज और सतीश तेंदुलकर बोल के 4 आदमी मिसिंग है। कंपनी जब भी हम लोग कॉल करते हैं, हम लोग गोवा आए हुए हैं, 5 दिन हो गया है, कंपनी को जब भी कॉल करते हैं हम लोग को एक ही बात मिला, आंसर मिलता है जो हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं, अगर कुछ अपडेट होगा तो अपडेट देगी। इसका सुबह कुछ हम लोग को पता नहीं, हम लोग खुद आप लोग कोस्ट गार्ड में गए थे, यहाँ लोकल बंदा लोग से बात किए, फिशिंग जो बोट जाता है उन लोग से बात किए, उन लोग का बात से पता चला जो कुछ हो रहा है या नहीं, उन लोग को पता नहीं है। हम लोग को सही से कुछ रिपोर्ट नहीं मिल रहा, तो हम लोग चाहते हैं कि इसका सही से इंक्वायरी हो, और जो कि इक्विपमेंट लेके वो लोग डाइव लोग लेके जा रहा नीचे सर्च करने में, और 3 दिनों का डाइव में भी कुछ इम्प्रूव नहीं है। तो इसका बारे में आप गोवा में कभी आए और कभी आपको मालूम पड़ा? हम लोग गोवा में सैटरडे मॉर्निंग में आए, और अभी तक जितना पैसा भी हम लोग का था पूरा खत्म हो जाता, अभी तक लगभग 60,000 हम लोग का खर्चा हुआ। या कंपनी से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं है, हम लोग बोले थे भाई कुछ अगर हेल्प मिलता है तो कैसे रहेंगे, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो भाई लोग हैं कुछ भी हो हम लोग को चाहिए हो, कुछ भी किसी भी हालत में जिंदा हो या कुछ भी ना हो, तो हम लोग का उसका उसका अम्मी जो है बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, 2 दिन से एडमिट है। उसका बीवी का हाल बहुत ख़राब है, उसका अबू का हाल बहुत ख़राब है, घर में एक ही बंदा है कमाने वाला, अगर उसको नहीं मिलेगा उसको फैमिली का क्या होगा। आपको कोई जो बचा हुआ सर्वाइवर उनसे कुछ बात बात हो गया? हाँ, बात हुआ था, एक बंदा था सर नितेश बोलते, उससे बात हुआ, सुधीर मंडल से बात हुआ, नितेश से फेस टू फेस बात हुआ था हम लोग का, उसको हॉस्पिटल बॉम्बे में हॉस्पिटल एडमिट था, तो उससे बात के वो पूरा स्टोरी बताया था कैसी क्या हुआ था। ये लोग 4 बंदा सीप को साइड करने के लिए बहुत बिजी था, जो किसी भी हाल में सीप को बचाएगा, लेकिन उस टाइम में तूफान ज़्यादा आया तो 6 बंदा पहले को दिया था, ये 4 बंदा को नीचे कूदते हुए कोई नहीं देखा था। बता सकते हैं डिटेल में क्या हो गया था उस टाइम पे जो आपने सुना है? हम लोग उन लोग के मुँह से जो सुना है, जो तूफान बहुत ज़ोर से आ रहा था, तो कैप्टन ने लास्ट कॉलिंग बोला था, उसका बाद अली मोहम्मद नीचे जाकर सबको बुलाया था, जो उठो लास्ट कॉलिंग में डेंजर जोन है, सबको जो लाइफ बोट होता है, लाइफ जैकेट होता है, सबको लाइफ जैकेट पहनना बोला था, तो सबको लाइफ जैकेट पहन 10 ही आदमी लाइफ जैकेट पहना हुआ था। तो जब जहाज वो तूफान में आ गया था, थोड़ा साइड होने जा रहा था, उस टाइम में 6 बंदा नीचे कूद गया था, तो एक बंदा उसमें से सुधीर मंडल बोल के ऊपर जाके लाइफ बोट को निकालने जा रहा था, तो उस टाइम में तूफान का वजह से नीचे गिर गया, तो नीचे गिर के बहुत चिल्ला रहा था वो, 4 आदमी का नाम लेके, मुसारफ, अली, पंकज भाई, सतीश बोल के पूरा गाड़ा, किसी को मिला नहीं है। जब उसको होश आया, सेंस आया उसको, तो देखा जो समुद्र के अंदर गिरा हुआ था, कोई चौपा डाके उसका कोस्ट गार्ड का उसको रेस्क्यू किया था। क्या उसने वो जो 4 बचे हुए लोगों को देखा था? वो 4 बजे नीतीश कुमार एक बंदा को, नीतीश कुमार जो था वो एक बंदा को, नीतीश सतीश को देखा था जो समुद्र में स्विमिंग कर रहा था, लेकिन उसको दूसरा टाइम नहीं देखा था। एक ही 4 बंदा 6 बंदा से 5 बंदा जो मिला है उसमें से एक बंदा उसको देखा है, 5-4 बंदा नहीं देखा है। तो उनके हिसाब से जहाज डूब गया, सिंक हो गया, क्या है? जहाज नीचे पूरा चला गया था, उसमें आयरन ओर भी था, उसका आयरन ओवर लोडिंग बोला, लोडिंग बहुत ज़्यादा लोडिंग था, लेकिन जो हिसाब है लोग का वो हिसाब से लोडिंग था, लेकिन ज़्यादा माल था, आयरन था बहुत भारी था, सही हिसाब था लोग का। अभी आपका क्या डिमांड है गवर्नमेंट? हम लोग का हम लोग 6 दिन से है यहाँ पर, आज जो ये स्टोरी चल रहा है यहाँ पर एक्सीडेंट का, 9 दिन हो गया, तो इसमें से हम लोग चाहते थे हम लोग का जो 4 बंदा मिसिंग है, 4 अपना घर आ गए, किसी में हाल में जो भी हाल में होगा हम लोग को चाहिए होगा। हम लोग बाकी के क्रू जो बच गए वो चले गए, वो तो चला गया, सब 6 बंदा घर में चला गया। 6 दिन हो गया है, तो हम लोग का सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कंपनी या कोस्ट गार्ड का वास्ते, जो 72 आवर जब चल निकल गया था तब हम लोग सोच लिए थे कि ये बंदा नहीं आएगा, अलाइव नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम लोग फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो लोग जिंदा हो या कुछ भी हाल में हो तो सिर्फ हम लोग को चाहिए, अगर मरी भी सॉरी अगर कुछ भी होता है, खराब कुछ होता है तो उसको बॉडी तो मिलना चाहिए, हम लोग को बॉडी हमको दे दीजिए कम से कम, ये तो सर्च कीजिए, 4 बंदा का बॉडी नहीं मिलेगा अगर जिंदा नहीं है, और इतना बड़ा बाज, छोटा बाज नहीं है, इतना बड़ा बाज है, उसको नहीं मिल रहा, 3 दिन से ढूंढ रहे आप लोग, कैसे नहीं मिल रहा है? ये तो एक रात में तो बाज 10 किलोमीटर नहीं जा सकता है, और समुद्र के अंदर में कितना स्पीड में जाता है, वो तो बंद वाला इंजन है, कितना जाएगा, कम से कम करीबन 300 मीटर 400 मीटर जा सकता है, तो आप लोग इतना ढूंढ रहे कैसे ढूंढ रहे, समझ में नहीं आ रहा, और कोई रिजल्ट भी नहीं आता है जब क्या हो रहा है, रात को अगर पूछेंगे तो बोलते भाई सर्चिंग चालू है, कल फिर सर्च होगा, इसका सवाल कुछ जवाब नहीं आता हम लोग का पास। हम लोग के पास एक ही डिमांड है, मेरा जो भाई है और जो 3 बंदा है, हम लोग चाहते हैं कुछ भी हो लोग का, जिंदा हो या मर गया होगा, कुछ भी होगा तो हम लोग को उसको बॉडी तो चाहिए, जिंदा नहीं है तो ऐसी भी हाल में चाहिए हमको।
आप लोग दे दीजिए हम लोग को, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। उसका फैमिली को चाहिए ये, उसका माँ को तो कुछ दिखाना पड़ेगा, उसका अब्बू को तो कुछ दिखाना पड़ेगा, उसका बीवी को तो कुछ दिखाना होगा। अब उन लोग का फैमिली के बारे में सोचिए क्या हाल हो रहा है उसका, 6 दिन से कोई खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया है, हॉस्पिटलाइज है उसका माँ, उसका बीवी का सेंसलेस हो जा रहा है जब तब तक। आप लोग कुछ कीजिए, आप लोग प्लीज़ आप लोग के पास रिक्वेस्ट है, उसका बॉडी हम लोग को दीजिए कम से कम, यही रिक्वेस्ट सिर्फ, और कुछ नहीं बोलना है हमको।